Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आमदनी से जायद असासे कैसे और किस तरह बने। असासा जात रेफरेंस में वजीर खजाना इसहाक डार पर फर्द जुर्म आए। साब अदालत में अब ट्रायल का बाकायदा आगाज होगा। इसहाक डार ने इल्जाम को गलत करार दे दिया, कहा अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। असासे आमदनी से मुताबिकत रखते हैं। समाज 4 अक्टूबर तक मुलतवी, गवाहान तलब। कासाजात रेफरेंस में वजीर खजाना इसहाक डार ने हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत का मरकजी दरवाजा, वकला, मीडिया, मुलजिम और दीगर साइलिन पर बंद। इसहाक डार को अकबी दरवाजे से अदालत ले जाया गया। वकला गेट फलांग कर अंदर दाखिल। सहाफियों को अदालत में दाखिल होने की इजाजत न मिली। मीडिया अदालती कार्रवाई बराह रास्त न सुन सका। तारिक फजल चौधरी के गवाहों का ताल्लुक लाहौर से है। 2 बैंक अफसरान को बतौर गवाह तलब किया गया है। हमारी कयादत और रहनुमा अदालतों का सामना कर रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं, पहले कहा हूँ इसहाक डार मुलजिम है। जिस तरह मुल्क में जमहूरियत चल रही है उसका अल्लाह ही हाफिज है। मौजूदा हुकूमत कठपुतली है। नवाज शरीफ खुद को अब भी वजीर आजम समझते हैं। अवाम को अपनी हुकूमत के दोबारा इंतखाब का मौका दिया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम उल हक की मीडिया से। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान तौहीनी अदालत केस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। 12 अक्टूबर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला ना किया तो अपना हुक्म जारी कर देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। अब ज्यादा वक्त नहीं है और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान एक अफसोस अंजाम की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान के लिए बचना मुमकिन नहीं। वो अफसोसनाक सियासी अंजाम से दो चार होने वाले हैं। जितने ताखिरी हरबे थे वो इस्तेमाल कर चुके। अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मशाल कत्ल केस में 25 मुलजमान की दरखास्त जमानत पर फैसला। गुज़श्ता रोज हरिपुर सेंट्रल जेल में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला महफूज किया था। सरगोधा के करीब जुनूबी मोड़ पर मट्टी का तोदा गिर गया। 6 मजदूर दब गए, 2 लाशें निकाल ली गईं। हलाकतों में इजाफे का खदशा। कंदकोट में मक्सी पुलिस चेक पोस्ट पर मुसल्ला अफराद का हमला। 1 पुलिस एहलकार जख्मी। सरकारी असलाह लेकर फरार। तुर्बत के सरहदी इलाके शेरीकोर में ईरानी फोर्सेस की गाड़ी पर फायरिंग। 1 पाकिस्तानी शहरी हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। नहीं हो रहा है मगर हो रहा है। कराची की बस में सफर हो रहा है। खटारा बसों में आवाम बेबस, लोगों का बुरा हाल। कोई नहीं पुरसाने हाल। इंतजामिया और सूबाई हुकूमत सूरत हाल से लातालुक। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में पेट्रोल से भरा टैंकर उलट गया। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर आने की वजह से पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाका सील कर दिया। न्यू कराची में गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग पर काबू तो पा लिया गया मगर लाखों रुपए मालियत का माल जल गया। जानी नुकसान नहीं हुआ। जरई मुल्क होने के बावजूद टमाटर का बुहरान। आज भी मुल्क में 180 रुपए किलो तक बिक रहा है। कोई मसला हल कराए, कीमतें कम कराए, आवाम की फरियाद। 160 रुपए रेट है और माल पीछे से आ नहीं रहा, काबल से आ रहे हैं। हुक्मरानों को पता होगा कब तक होने, क्योंकि सब कुछ उन्होंने के हाथ में है, दुकानदारों के हाथ में।